दोस्तों NSDL की वेबसाइट से अगर आपने अपना पैन कार्ड अप्लाई किया था खुद से घर बैठे मोबाइल से और आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका पैन कार्ड बना है या फिर नहीं, उसका स्टेटस जानना चाहते हो, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिला है उस नंबर से आप ट्रैक करना चाहते हो, पता करना चाहते हो कि आपका पैन कार्ड बना है या फिर अभी तक नहीं बना है और बन गया है तो कहाँ पर है, पूरे तरीके से उसको देखना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि 30 सेकंड के अंदर आप ये चीज़ कैसे पता कर सकते हो अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल से कि पैन कार्ड बन गया या नहीं और बन गया तो कहाँ पर है, सब कुछ इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं IG हेल्प यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ लाइव करके कि आपको किस तरीके से कहाँ पर जा करके ट्रैक करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। पैन कार्ड का स्टेटस पता करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में आपको लिखना है पैन स्टेटस। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो हमने लिखा ऊपर में सर्च में पैन स्टेटस तो सबसे ऊपर में एक वेबसाइट आ गई है जो का निशान बता रहा है आपको ऊपर वाली पे यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में यहां एप्लीकेशन टाइप के ठीक सामने ऑप्शन है जिसमें सेलेक्ट करने के लिए हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट। नीचे वाला सेलेक्ट नहीं करना है, आपको बीच वाला करना है पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट, ये सेलेक्ट करना है। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे तो आपके पास में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ दूसरे वाले बॉक्स में डालना होगा जो कि 15 डिजिट का नंबर आपको मिला होगा जिसको एक्नॉलेजमेंट नंबर कहा जाता है। ये स्लिप के ऊपर होता है, जब हम अपना ये अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर 15 डिजिट का, तो उसको यहाँ से आपको डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ से डाल लेते हैं अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने यहाँ पर डाल लिया है, सिक्योरिटी के लिए थोड़ा हमने इसको ब्लर करके रखा हुआ है। अब नीचे में वेरीफाई स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो ये कैप्चा होता है जिसको हमें यहाँ नीचे वाले बॉक्स में भरना होता है। तो जैसे सेम यहाँ पर ये कैप्चा आ रखा है उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर इसको डाल देना है। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद में नीचे सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे ऊपर में आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा और सेकेंड नंबर पर आपका नाम होगा, पूरी तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, और कैटेगरी में इंडिविजुअल आएगा और स्टेटस यहां से देखो आप ये जो स्टेटस है फोर्थ नंबर पर और इसके ठीक सामने योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस, तो यहां पर ये कह रहा है एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो अंडर प्रोसेस में है, यानी कि प्रोसेस चल रहा है, आपका काम हो रहा है, प्रोसेस में है। तो यहीं पर आपका स्टेटस आपको पता चलेगा और अगर आपका जो है पैन नंबर आपको मिल गया होगा तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, बता देगा, या डिस्पैच हो गया होगा तो वो बता देगा। मतलब स्टेटस के ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ जो भी स्टेटस होगा जैसा भी होगा, प्रोसेस में है या बन गया है या डिस्पैच हो गया है या आपके घर के लिए निकल चुका है, सब कुछ यहाँ से आपको पता चल जाएगा और यहाँ आने के बाद में आप ये चीज़ चेक कर सकते हो और यहीं से चेक करने के बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।